हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। क्लास टेंथ की पोएम है फायर एंड आइस, और आज इस वीडियो में हम इस पोएम के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की वर्ड लिमिट होती है अबाउट 60 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम का क्या मैसेज है, क्या संदेश है? आंसर से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह आंसर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप अपने टेंथ क्लास से संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वीडियो के थ्रू आसानी से और बहुत अच्छी तरह समझते हुए अपने सिलेबस को तैयार कर सकें। अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और आपको बताएं कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है, इससे घबराने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियो के MCQs क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टडी किया है तो उन्हीं में से लाइंस लेकर हमने ये आंसर क्रिएट कर दिया है। तो आपको केवल एक अपनी समझदारी से उन लाइंस को समझना है, आप देखेंगे कि कितनी आसानी से आपको ये आंसर याद हो जाएगा, क्योंकि ये लाइंस नई नहीं हैं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं पिछले वीडियोस में। और अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं, आपने उन्हें मिस कर दिया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी सभी वीडियोस का लिंक दिया गया है, जिसमें आप पोएम की हिंदी समझ सकते हैं, MCQs स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया को पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। विद द कंसेप्ट ऑफ फायर एंड आइस, पोएट रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। फायर और आइस के जरिए पोएट प्रेजेंट करता है दो प्रकार के लोगों को। Both of these are the cause of destruction of this world. और ये दोनों प्रकार के लोग ही संसार के विनाश का कारण हैं। Unlimited desire, जो हमारी असीमित इच्छाएं हैं, and hatred among people, और लोगों के मन में जो नफरत है, is the cause of this world's end. वही कारण है इस संसार के अंत का। Thus the poet through the poem Fire and Ice wants to give the message that people should give up desires and hatred to live happily. तो आप समझ गए होंगे कि फायर और आइस कविता के जरिए पोएट यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें अपनी असीमित इच्छाएं और नफरत को छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए हैप्पीली जीवन को जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू इज, हाउ विल आइस बी एज ग्रेट एंड सफाइस फॉर कॉजिंग द एंड ऑफ दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। किस तरह से आइस महान हो सकती है, पर्याप्त हो सकती है इस संसार के अंत को, इस संसार के अंत का कारण बनने के लिए। डू यू अग्री विद द पोएट, क्या आप कवि से सहमत हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, कविता की शुरुआत में, फ्रॉस्ट ब्रॉट आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया। फ्रॉस्ट ने सामने लाया है एक विपरीत विचार, बाय सेइंग दैट, ये कहकर कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कवि ने स्टार्टिंग में ही कहा है कि कुछ कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ कहते हैं बर्फ से होगा। अकॉर्डिंग टू पोएट, आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। देखिए, ये वही लाइन है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर वन में आंसर में पढ़ी थी। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेट्रेड इज एज पावरफुल एज फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का पूरी तरह अंत करने के लिए पोएट महसूस करता है कि आग यानी कि नफरत की जो बर्फ है वो उतनी ही पावरफुल है जितनी की इच्छाओं की आग। नफरत की बर्फ उतनी ही पावरफुल है जितनी की इच्छाओं की आग। हेट्रेड अमंग पीपल कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। लोगों के बीच में जो नफरत है वो भी कारण बन सकती है डिस्ट्रक्शन का, बर्बादी का।
आई स्ट्रांगली अग्री विद द पोएट ऑन दिस थॉट, और मैं इस विचार पर कवि से बहुत ज़्यादा सहमत करता हूँ। इफ पीपल हेट ईच अदर देयर विल बी नो लव, अगर लोग नफरत करेंगे एक दूसरे से तो लव नहीं होगा। एंड इफ देयर इज नो लव देयर इज नो वर्ल्ड, और अगर प्यार नहीं होगा तो ये संसार नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं क्लास 10th के सिलेबस से रिलेटेड नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।